कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ के भी कांग्रेस छोड़ने की बात होने लगी है। खबरों के अनुसार उन्होंने अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर से कांग्रेस पार्टी का नाम और लोगो हटा दिया है। नकुलनाथ ने एक्स, इंस्टाग्राम और फेसबुक तीनों ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से पार्टी का लोगो हटा दिया है। इसकी जगह उन्होंने लिखा कि सांसद सदस्य छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश। कमलनाथ के पहले से ही कांग्रेस छोड़ने को लेकर चर्चाएं तेज हैं। यहां गौर करने वाली बात यह है कि कमलनाथ का छिंदवाड़ा दौरा भी कैंसिल हो गया है। नकुलनाथ के सोशल मीडिया से कांग्रेस का लोगो और नाम हटाने से पहले ही इस दौरे को रद्द कर दिया गया था। कमलनाथ का 14 से 18 फरवरी तक का छिंदवाड़ा में प्रोग्राम था। हालांकि छिंदवाड़ा दौरा बीच में छोड़कर ही कमलनाथ अपने बेटे नकुलनाथ के साथ अचानक दिल्ली रवाना हो गए हैं। पूर्व सीएम के इस फैसले की वजह से मध्य प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। तो दूसरी ओर अटकलों के मुताबिक कई और विधायक भी कमलनाथ के साथ बीजेपी में जा सकते हैं। बीजेपी प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने कमलनाथ और नकुलनाथ की फोटो को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लिखा कि जय श्री राम। इतना ही नहीं, अफवाहों की माने तो कमलनाथ अपने बेटे नकुलनाथ के साथ जल्द ही बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। उनके साथ 10 से 12 विधायक, 2 नगर अध्यक्ष और 1 महापौर भी कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। बीते दिन मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा ने कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ को लेकर बड़ा बयान दिया था। वीडी शर्मा ने साफ तौर पर कहा था कि कमलनाथ और नकुलनाथ अगर बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं तो उनका स्वागत है।